आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। रमजान क्यों मनाया जाता है, रमजान की फजीलत क्या है। गाजीपुर के जमानिया कस्बा से शाही जामा मस्जिद के सेक्रेटरी मौलाना तनवीर रजा सिद्दीकी ने जुम्मा नमाज के बाद अपनी तकरीर में बताया कि माह रमजान गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होगी, ये सब चांद पर निर्भर करता है। उन्होंने अपनी तकरीरों में बताया कि रमजान का रोजा इस्लाम कैलेंडर के हिसाब से और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कब होता है, तो रजा ने बताया कि माह रमजान का रोजा चांद पर निर्भर करता है, इसलिए रमजान की 23 तारीख या 24 तारीख होगी। मौलाना जुमा पढ़ने के बाद बताया कि इस्लामिक महीने का नवा महीना रमजान है। इस महीने को इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में पूरे एक महीने का रोजा रमजान का रखते हैं। पूरे दिन इस्लाम को मानने वाले अल्लाह पाक को राजी करने के लिए रोजा रखते हैं। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज के सफर पर गए तो अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत दोजख दिखाया। इसके साथ ही अल्लाह पाक ने अपने मखलूक इंसान के लिए हुजूर साहब की उम्मती के लिए रोजा इनाम में दिया। उसके बाद से इस्लाम धर्म में रमजान रोजा मनाया जाता है। रोजे में छोटे बड़ी बुराई से दूर रहते हुए सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने के लिए मुस्लिम औरतें व पुरुष कसरत के साथ नमाज पढ़ते व कुरान की तिलावत करते हैं। आजाद न्यूज के लिए गाजीपुर से ब्यूरो चीफ सलीम मंसूरी की रिपोर्ट।